हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 4 के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। तो एग्जांपल नंबर 4 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। बोला गया है फाइंड द टू सॉल्यूशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के कम से कम दो सॉल्यूशन हमें बताने हैं, ठीक है। तो मेरी जो पहली इक्वेशन है वो है 4x 3y = 12। देखो, हर क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा वे है। एक बार हमें एक्स को जीरो मानना है और एक बार हमें वाई को जीरो मानना है, ठीक है। अगर हमने x को ज़ीरो माना, ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। हमें दो सॉल्यूशन बताने हैं, तो सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि एक बार x को ज़ीरो मान ले जाए, ठीक है। तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म। तो 3y = 12 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मेरा कितना आया 4, ठीक है, पहला हो गया पार्ट मेरा। दूसरा पार्ट, एक बार क्या मान लिया जाए, वाई को ज़ीरो मान लिया जाए, ठीक। इक्वेशन मेरी वही है 4x, बस y की जगह क्या रख देना, 0 = 12 4x। 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई में 4x इसमें आ जाएगा, डिवाइड में 12 में 4 का डिवाइड दिया कितना आया 3। ये लो जी, दो सॉल्यूशन चाहिए थे, पहला सॉल्यूशन एंड दूसरा सॉल्यूशन। यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट दे रखा मुझे कितना, 2x + 5y = 0, ठीक। इक्वेशन दे रखी है 2x + 5y = 0। इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एंड वाई, एक बार मैंने क्या ले लिया, एक्स को ले लिया 0, ठीक है। एक्स बराबर लिया मैंने 0, 2 एक्स की जगह 0 रखा, प्लस 5y = 0, 2 0 से मल्टीप्लाई की 0, फिनिश, = 0। तो बचा कौन मेरा, 5y = 0। ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 0 में 5 का डिवाइड दिया कितना है 0। अगर दोनों कॉलम में 0 0 आ जाए तो नेक्स्ट टाइम में ना तो एक्स को 0 मानना है ना वाई को 0 मानना है। 0 को छोड़ के कुछ भी मान लेना, क्योंकि दोनों ऑलरेडी 0 0 आ चुके हैं एक ही कॉलम में। तो इस बार मैंने ज्यूम किया कि वाई बराबर वन है। 2x का 2x, वाई की जगह रखा 1 = 0, 5 1 = 5 = 0, प्लस का 5 ट्रांसपोज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आएगा, डिवाइड में। 5 में 2 का डिवाइड दे कितना आया, माइनस का 2.5। दो सॉल्यूशन चाहिए, दो सॉल्यूशन मेरे यहाँ पे निकल के आ गए, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं ऐसे ही करना है। आप y की जगह पे 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, x की जगह पे एक वैल्यू डालोगे तो दूसरी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट यही है। तीसरा पार्ट दे रखा मुझे 3y + 4 = 0। अब इसमें x तो है ही नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं, प्लस का 4 उधर x को आ जाएगा, माइनस का। इसमें x नहीं है, पर मैं अपनी मर्जी से इसमें 0x लिख सकता हूँ, क्योंकि 0x से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0। अब इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। x लिखा, y लिखा, एक बार मैंने x बराबर मान के देखा 1 3y, x की जगह लिया 1, माइनस का 4, 0 से मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, माइनस का 4/3। ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। एक्स वन रखने पे वाई कितना, माइनस का 4/3। अगेन एक्स बराबर मैंने 2 लिख के देखा, एक्स की जगह लिया मैंने 2, 3y का 3y, 0 एक्स की जगह पे मैंने 2 लिखा, ठीक है। अब 0 2 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 0, ख़त्म, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में इसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गया मेरा माइनस का 4/3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो जाएंगे 1 एंड माइनस का 4/3 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट 2 एंड माइनस का 4/3। आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी, आपकी वाई की वैल्यू यही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसमें एक्स का वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। और इसी के साथ मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को। एग्जाम्पल 5, तो पहले एग्जाम्पल नंबर 5 को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। बोला गया है गिवन द पॉइंट 1 एंड 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाई, हाउ मैनी सच इक्वेशन आर देयर। यानी इस पॉइंट से कितनी इक्वेशन, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की कितनी इक्वेशन ड्रॉ की जा सकती है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट कितना है, 1 एंड 2। हमें इक्वेशन को इस तरीके से रखना है ताकि
एक्स वन रखने पे वाई हमेशा क्या निकल के आए, दो ही निकल के आए। इस तरीके की इक्वेशन आप बहुत सारी बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने एक इक्वेशन रखी कि वाई माइनस में एक्स इज इक्वल टू वन, अब जरा चेक करके देखो ये इसको वेरीफाई करती नहीं करती। कुछ भी करके ऐसा सिस्टम बैठाना है कि दोनों इक्वेशन में एक्स रखने पे वाई के इक्वल आए, या वाई रखने पे एक्स के इक्वल आए, या दोनों ये रखने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। वाई की जगह मैंने दो रखा, एक्स की जगह वन रखा, दो में से क्या एक, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ये भी रख सकते हैं हम इक्वेशन में, जैसे कि टू एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू जीरो। चेक करते हैं, एक्स की जगह मैंने रख के देखा एक, वाई वाई की जगह रख के देखा दो, इज इक्वल टू जीरो, दो एक कम दो माइनस दो, दो में से दो गया जीरो। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के फिर इक्वल आ रही है। कुछ भी रख सकते हो, बस बैलेंस इस तरीके से बनाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। और भी ले सकते हो, जैसे बहुत सारे एग्जांपल, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले सकते हैं। चेक करते हैं, x x की जगह 1 रखा, y y की जगह 2 रखा, 2 वन जा 2 प्लस 2, देखो दो और दो कितने हुए 4, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, 4 इक्वल टू 4। ये भी इक्वेशन रखी जा सकती है, ठीक। और जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक इक्वेशन और ये ले ली कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह 1 रखा, वाई की जगह 2 रखा, कितना हुआ 3 इज इक्वल टू 3। ये भी हो सकता है, या मैंने एक इक्वेशन एक और ले ली ये वाली, जैसे कि 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक। जैसे मैंने x में क्या रखा 1 और y में क्या रखा मैंने 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यानी कि एक पॉइंट से पास होने वाले की बहुत सारी इक्वेशन ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ बोला कि हाउ मैनी सच इक्वेशन आर देयर, ठीक है, इसकी कितनी इक्वेशन हो सकती है। तो इसकी इन्फिनिटी इक्वेशन बनाई जा सकती है, बहुत सारे, जैसे मैंने 5 एग्जांपल तो यहाँ बना दिए, चाहूँ तो और भी बना सकते हो आप, ठीक है। बस ध्यान ये रखना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रहे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, देयर आर इन्फिनिटली मैनी लीनियर इक्वेशन विच आर सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 1 and 2। यानी इससे 1 and 2 से बहुत सारी इक्वेशन ड्रॉ की जा सकती है इनफाइनेटली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको एग्जांपल नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।